नमस्कार, राम राम सा। ये जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सारे आपको अभ्यर्थी नज़र आ रहे हैं, युवक युवतियां जो नज़र आ रही हैं, ये रीट प्रथम लेवल के अभ्यर्थी हैं। और शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश निकला था कि इनका जो ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनका जो मेडिकल चेकअप है वो जिला अस्पताल में होना है। लेकिन ये कहना, इनका कहना है कि हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में हमारा मेडिकल नहीं हुआ है। और इसलिए ये सभी के सभी लोग आज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई से मिलने आए हैं। ये कह रहे हैं कि आधे लोगों का हो गया और आधे जब बाकी रहे, तो उनका कहना है कि आप जोधपुर चले जाओ, हमारे पास मशीनें नहीं हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो ये लोग कहाँ से आए और क्या इनकी प्रॉब्लम, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है और क्या प्रॉब्लम हुई आपकी? मुकेश। कहाँ से आए हो आप? मुरैना से। मुरैना एमपी से। एमपी से जी। अच्छा, क्या हुआ और किस लिए आप थे, क्या पूरी बात है? यहाँ पर हम अपना मेडिकल चेकअप कराने आए थे। उन्होंने आदेश दिया था कि बाड़मेर जिला चिकित्सालय में आपका चेकअप होगा, लेकिन मशीनों के अभाव के कारण हमें बहुत परेशानी आ रही है। एक तो सुबह से हम यहाँ पर हैं, दो दिन हो गए हमें, और उसके बावजूद भी यहाँ भी हमें चेक किया गया, लेकिन हमारे लिए आदेश दे दिया है कि जोधपुर जाकर के कराओ। तो अभी आप किससे मिलने आए? अब जिला सीओ साहब से मिलने। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और क्या हुआ? जरा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट ले लिए सर ने, और उसके बाद बोला 2 घंटे बाद आपको देखेंगे, चेक करेंगे। मेरी ना लेफ्ट आईज में ऑपरेशन हुआ हुआ है, और उसके बाद उन्होंने ना चेक करा ना देखा, बस 2 घंटे टाइमिंग दिया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया आप जोधपुर चले जाओ। हम इतनी दूर 850 किलोमीटर दूर से आए और अब हमें जोधपुर पहुँचाया जा रहा है, तो हम वहाँ से कैसे वापस आएंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे? आप कौन से अभ्यर्थी हैं, कौन से एग्जाम? रीट लेवल फर्स्ट के हैं। अभी आप किससे मिलने आए? सीमित साहब से मिलने आए यहाँ पे। सीओ साहब से मिलने? हमारे तो बस यही है ना कि हम अगर जांच यहाँ कंप्लीट नहीं थी तो बाकी स्टूडेंट को क्यों लिया गया, उनकी जांच कैसे हो गई? जैसे उनकी वजह से हमारी भी करते, या फिर उनको भी जोधपुर पहुँचा हमारे साथ, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? कितने कुल अभ्यर्थी आप, कितने लोग हैं? 93 थे टोटल, आज कितने कैंडिडेट थे ये पता नहीं है। 24 आईज वाले हैं और 8 स्टूडेंट कान वाले हैं, जिनको जोधपुर पहुँचाया गया है। सारे के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर डीओ साहब से मिलने आए हैं, और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो उनका साहब कैसे? यही करवा लो ना, यही बढ़िया, यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास में इक्विपमेंट नहीं है, तो इक्विपमेंट नहीं है वो कैसे चेक कर पाएंगे? नहीं, एक बात बताओ सर, इनके पास नहीं है सर, पहले जोधपुर ये देखो अजीब लग के दिया हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है यहीं करवा दो, कर ले। सर सर, क्या क्या पूरा मामला है और ये लोग क्या चाहते हैं? एक मिनट, अगर ये कह दोगे तो श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रसिद्धि भर्ती परीक्षा जो हुई थी 21-22 विज्ञापन निकला था, उसमें बाड़मेर जिले को आवंटित दिव्यांग अभ्यर्थी है, जिनको निदेशालय से यह ऑर्डर था कि इनकी दिव्यांगता की जांच है करवाई जानी है, जिनको राजकीय चिकित्सालय में सीओ साहब के द्वारा आदेशित किया गया कि इनकी दिव्यांगता की जाँच करें। तो कुछ अभ्यर्थियों को हायर इंस्टीट्यूट के लिए रेफर किया गया है, जो ये कह रहे हैं कि आधों की जांच हो गई, आधों की नहीं हुई। जांच जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए उन सभी की हो चुकी पर उनका रिजल्ट नहीं निकल रहे सर, जैसे उनको बताया जिनका, नहीं जिनको रेफर नहीं किया गया है उनका क्या करें? जिनको जिनका रिजल्ट है वो हमारे पास में गोपनीय है, कमेटी डिसाइड करेगी।